क्षमावाणी पर्व देता है मधुरता का संदेश। भगवान महावीर ने हमें आत्म कल्याण के लिए 10 धर्मों के 10 दीपक दिए हैं। प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व आकर हमारे अंतकरण में दया, क्षमा और मानवता जगाने का कार्य करता है। जैसे हर दीपावली पर घर की साफ सफाई की जाती है, उसी प्रकार पर्युषण पर्व मन की सफाई करने वाला पर्व है। इसलिए हमें सबसे पहले क्षमा याचना हमारे मन से करनी चाहिए। जब तक मन की कटुता दूर नहीं होगी, तब तक क्षमावाणी पर्व मनाने का कोई अर्थ नहीं है। अतः जैन धर्म क्षमा भाव ही सिखाता है। हमें भी रोजमर्रा की सारी कटुता कलुषता को भूलकर एक दूसरे से माफी मांगते हुए और एक दूसरे को माफ करते हुए सभी गिले शिकवों को दूर कर क्षमा पर्व मनाना चाहिए। सन्मति जैन काका ने बताया कि क्षमावाणी के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार सर्वप्रथम आदिनाथ जिनालय, तत्पश्चात पार्श्वनाथ मंदिर एवं अंत में पार्श्वनाथ जैन बड़ा मंदिर में परंपरा अनुसार श्रीजी का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात सभी समाजजनों ने भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। तत्पश्चात एक दूसरे से हाथ जोड़कर गले मिलकर क्षमा याचना की एवं अपने आपसी भेदभावों को खत्म किया। इस अवसर पर सभी समाजजनों ने क्षमावाणी पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट, खरगोन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट